प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 समाजशास्त्र के अंतर्गत तीसरा अध्याय समाजशास्त्र की प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो आपको टॉपिक आज पढ़ना है वह टॉपिक है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, इसको आप सोशियोलॉजी। इस पर प्रश्न भी आता है, क्वेश्चन भी आता है विस्तृत रूप से कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न जो है कम से कम 4 नंबर या 6 नंबर में जरूर आएगा और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो आइए हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विवेचना करते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र संकुचित नहीं है, बहुत विस्तार से है। समाजशास्त्र जैसा कि आपको बताया गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। परिभाषा भी आपको बताया गया, इस परिभाषा को मैं कायभर एवं पेज ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है। इन्होंने अपने परिभाषा में व्यक्त किया है कि सोशियोलॉजी इज द वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इसीलिए समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। लेकिन समाजशास्त्र में किस तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस प्रश्न को लेकर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में भी मतभेद हो गया, विद्वानों के विचार अलग अलग हो गए और ऐसे विद्वानों के विचारों ने 2 संप्रदाय को जन्म दिया। पहला संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय हार्वर्ड स्कूल और दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। तो इस तरह से 2 संप्रदायों का जन्म हुआ, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, हार्मन स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। बच्चों, हार्मन स्कूल क्या है? इसके अनुसार समाजशास्त्र में कुछ विशेष सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र में कुछ विशेष सामाजिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। इस क्षेत्र को कहते हैं हार्मन स्कूल। दूसरा जो संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे सिंथेटिक स्कूल कहा जाता है, इसके अनुसार यानी सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित और संश्लेषित का मतलब ऐसा स्कूल, ऐसा संप्रदाय जिसमें निर्माण होता हो, जिसमें कुछ बनाया जाता हो। अर्थात इस समाजशास्त्र के इस अध्ययन क्षेत्र में सभी तरह के सामाजिक
संबंधों का अध्ययन किया जाता है। केवल वैज्ञानिक अध्ययन नहीं बल्कि सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस संप्रदाय को कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, जिसमें समन्वय स्थापित किया जाए, यानी समाज के हर वर्ग से समन्वय स्थापित किया जाए, इसलिए इसे समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। अब आइए हम डिवीजन करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय का, हार्मन स्कूल का। स्वरूपात्मक, स्व माने अपना, रूपात्मक रूप प्रदान करना। इस संप्रदाय के समर्थक प्रवर्तक ये मानते हैं कि वास्तव में सामाजिक संबंधों का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है और इसमें सभी तरह के संबंधों का अध्ययन एक साथ कर पाना मुश्किल है। इसलिए इस स्थिति में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा वैज्ञानिकों का, ऐसा समाजशास्त्रियों का विचार रहा है। जैसे जॉर्ज सीमैन, मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों का विचार, और इनके अलावा वीर कांत तथा टॉनिस जैसे समाजशास्त्रियों का विचार इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो एक प्रश्न और बन जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जॉर्ज सीमैन, मैक्स वेबर और टॉनिस वीर कांत। सबसे मुख्य रूप से जॉर्ज सीमैन के विचार और मैक्स वेबर के विचार इसमें आते हैं। तो आइए हम जानें कि जॉर्ज सीमैन के विचार क्या हैं। जॉर्ज सीमैन ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है, अगर किसी वस्तु का स्वरूप न हो तो निश्चित रूप से उस वस्तु के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। जैसा कि एक अध्ययन सामग्री आपका है डस्टर, यदि डस्टर का कोई स्वरूप न हो, डस्टर की अपनी कोई आकार आकृति न हो, तो निश्चित रूप से यह डस्टर अपना कार्य करने के लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। इसलिए इसका आकार आकृति स्वरूप होना चाहिए। मनुष्य का ले लीजिए, यदि मनुष्य का कोई रूप न हो, कोई आकार न हो, कोई आकृति न हो, स्वरूप न हो, तो वह मनुष्य बेकार हो जाता है। वह मनुष्य अपने आप को बेकार समझता है, देखने वाले भी जो है उस मनुष्य को बेकार समझते हैं। इसलिए हर प्राणी, हर वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, उसका कोई न कोई स्वरूप होना आवश्यक होता है, फार्म होना आवश्यक होता है। इसीलिए जॉर्ज सीमैन मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंदर कुछ अंतर वस्तु निहित होती है, कुछ अंतर वस्तु कंटेंट होती है, नीत होती है। और इसी तरह सामाजिक जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंधों का भी एक स्वरूप होता है। और दूसरी क्या है, अंतर वस्तु, अंतर वस्तु जो उसमें निहित होती है, जिसे हम एक गुण के रूप में भी जानते हैं, वह बहुत बड़ा जो है गुण होता है। इसी प्रकार यह समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में प्रमाण दे सकता है
वह एक विज्ञान बन सकता है और सामाजिक स्वरूपों का जब उसका हम अध्ययन करते हैं। अब मैक्स वेबर का विचार, मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया कि समाज शास्त्र में सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके केवल सोशल एक्शन सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि समाज शास्त्र में सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके केवल सामाजिक क्रियाओं यानी सोशल एक्शन का अध्ययन किया जाता है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया को इसकी तीन प्रमुख विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहली विशेषता क्या है? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है। जैसे आपको कोई किसी चीज के बारे में समझा रहा है, किसी प्रश्न के बारे में समझा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर वह स्पष्ट कर रहा है तो आप उसे प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस्ड हो जाते हैं। और जब प्रभावित हो जाते हैं तो आपको उस प्रश्न के उत्तर के बारे में समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरी जो क्रिया है वह सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण, अर्थों से भरी हुई। और तीसरी, यह अर्थ या उद्देश्य समाज द्वारा मान्य होता है। जैसे एक कोई जादूगर लोगों को जादू का खेल दिखा रहा हो, या एक चोर किसी ऐसे कमरे से सामान चुरा रहा हो जहां उसका कोई मालिक गाड़ी नहीं में सोया हुआ हो, तो ऐसे व्यवहारों को हम सामाजिक क्रिया नहीं कर सकते हैं। क्रिया सामाजिक कब होती है? जब वह दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित होती है तथा उसके पीछे समाज द्वारा स्वीकृत एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जैसे एक नेता और अनुयायी के संबंध, मालिक और मजदूर का संबंध, इसी प्रकार से मैक्स वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन द्वारा ही समाज शास्त्र को एक विशेष और व्यवस्थित विज्ञान बनाया जा सकता है और समाज शास्त्र को एक व्यवस्थित और विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। बहुत से समाजशास्त्री आलोचना भी किए हैं, तो आप इस प्रश्न के लिए समालोचना भी लिखेंगे कि जैसे उनका विचार है। पहला विचार क्या है? समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान मानकर इनके अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देना उचित नहीं है। और दूसरा क्या है? इस बात को कुछ समाजशास्त्री नहीं मानते हैं। जैसे भौतिक पदार्थों की तरह हम सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को भी एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या इसे अलग किया जा सकता है? इसे अलग नहीं कर सकते हैं। सीमेन का यह कहना सही नहीं है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी भी दूसरे सामाजिक विज्ञान द्वारा नहीं किया जाता। अब आइए हम जाने समन्वयात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक सिंथेटिक स्कूल, समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है। इस संप्रदाय में दुर्खीन, सोरोकीन और हाव हाउस के विचार उल्लेखनीय है। तीन समाजशास्त्री इसमें आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इमाइल दुर्खीन, सोरोकीन
और हा मानुष। अब आइए हम जाने दुर्गीन का क्या विचार है। दुर्गीन ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिविधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिविधानों का विज्ञान है। इनका मत है, इनका विचार क्या है कि प्रत्येक समाज के अपने कुछ ही प्रमुख नैतिक मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं। बहुत अच्छा शब्द है, नैतिक मूल्य, विचार और भावनाएं होती हैं, जिनको अस्थायी रूप देने के लिए उसके सभी सदस्य हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और स्वयं भी उनमें भाग लेते हैं। इस प्रकार यही तथ्य धीरे धीरे समाज की आधारभूत विशेषता बन जाते हैं। इस विशेषता को दुर्गीन ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधान में दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है, पूरे समाज की सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं ये। दूसरा, इन सभी सदस्यों का अध्ययन, इन सभी सदस्यों पर बाध्यात्मूलक अथवा अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र में इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह किसका विचार है, इमायत दुखीन का विचार, सोरोकीन का विचार। इनके अनुसार भी समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। इनका विचार है, चाहे कोई आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक क्रिया करे, इन क्रियाओं में कुछ तत्व सामान्य जरूर होते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में इन तत्वों को शामिल करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत जरूरी। सोरोकीन ने अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे अर्थशास्त्र को उन्होंने ए बी सी डी ई एफ से दर्शाया है। समाजशास्त्र को उन्होंने दर्शाया क्या, ए बी सी डी ई एफ से दर्शाया है। और इसी प्रकार से जो है राजनीति शास्त्र को ए बी सी डी एफ चाहिए, ए बी सी डी एच आई, इसको राजनीति शास्त्र को। इसी प्रकार से कानून शास्त्र को ए बी सी जे के यल, ए बी सी जे के यल, यानी किसको, कानून शास्त्र ला को, ला कानून शास्त्र को। इसी प्रकार धर्म शास्त्र को ए बी सी एम एन ओ, ए बी सी एम एन ओ, किसको, धर्म शास्त्र को। इसी प्रकार जो है मनोरंजन ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, किसको, मनोरंजन शास्त्र को। इस प्रकार जो है इसमें यह देखा गया कि जो विषय वस्तु है ए बी सी, यह ए बी सी समान तत्व है, लेकिन अन्य जो तत्व है एक दूसरे से जो है ये भिन्न है। यही प्रक्रिया जो है समाज में भी है। इस प्रकार सोरोकीन ने अपने विचार को व्यक्त किया है। और इसी प्रकार से हाफ हाउस के विचार है। हाफ हाउस ने भी जो है समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों का समन्वय करके, उसका तालमेल करके ऐसा परिणाम निकाला है कि पूरे सामाजिक जीवन का एक अध्ययन किया जा सके। समाजशास्त्र का ऐसे मंच के रूप में कार्य करना है जहां सभी सामाजिक विज्ञान मिलकर अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दूर कर सके। यह है सोरोकीन का विचार। अब आइए यहां पर जो है ये जो
हम अध्ययन क्षेत्र है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, इसके बारे में आपको बताया गया। अब यही पर जो है इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। इसी के साथ आपको